नमस्कार जयंत, आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का टॉपिक लेके आए हैं हम, जो कि हिंदी का वर्णमाला है। तो हिंदी के वर्णमाला में हम समझते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक उसी को हम कहते हैं वर्ण। और वर्णों के समूह को कहते हैं क्या, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला में जो वर्ण है वो 52 वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, जो कि दो भागों में बटे हुए हैं। एक होता है स्वर, जिसे कहते हैं हम क्या, वोवेल्स, और एक होता है व्यंजन, जिसे कहते हैं कंसोनेंट। जो स्वर होते हैं वो मूल रूप से होते हैं 11, परंतु संख्या के रूप में होते हैं 13। स्वर क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं हम स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को कहते हैं हम स्वर। मूल रूप से 11 होते हैं, परंतु संख्या के रूप में उसने 13। जो 13 होते हैं ना, वो अंग और आहार, जिन्हें कहते हैं हम ठीक अयोगवाह, ना तो वो स्वर होते हैं ना ही वो व्यंजन होते हैं। तो मूल रूप से 11 होते हैं स्वर, ठीक है। तो इसके बाद होते हैं व्यंजन। तो पहले हम स्वरों को समझ लेते हैं, सारे स्वरों को। तो अब स्वर भी कितने होते हैं, मूल रूप से 2 स्वर होते हैं, ठीक है ना, परंतु संख्या के रूप में ठीक है 11 होती हैं। 9 ये है और 2 ये है, 11 होते हैं, परंतु मूल रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हर्ष स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर जो होता है इसे बोलने में कम समय लगे, जिसे बोलने में क्या लगे, कम समय लगे, उन्हें कहते हैं मूल स्वर, जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ और र, ठीक है, जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं, जिनमें मात्राएं नहीं होती है, वो हमारे क्या होती है, मूल स्वर होते हैं, ठीक है, बोलने में कम समय लगे, 4 होते हैं वो हमारे, आ ई उ और र। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगे, जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगे, संख्या के रूप में होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हमारे 7 होते हैं क्या, दीर्घ स्वर बोलने में जिनमें ज्यादा समय लगता है। परंतु कुछ और अन्य स्वर भी होते हैं, ठीक है, जो मुख से बोले जाते हैं, जिनका प्रयोग मुख से होता है। एक होता है स्वर कौन सा, अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब जीव के जो आगे से बोले जाते हैं, जीव के आगे वाले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई ए ऐ, जीव का जो अग्र भाग है ना, अग्र भाग, उसका प्रयोग होता है। तो ये 4 स्वर होते हैं, अ ई ए ऐ। पश्च स्वर जीव के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं, जीव के पिछले भाग से बोले जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, आ उ ओ औ आम। समृद्ध स्वर मुख लगभग इनमें क्या होता है, बंद होता है। पश्च स्वर में क्या होता है, ठीक है, सॉरी, समृद्ध स्वर में क्या होता है, मुख लगभग बंद होगा, कैसा, ई ई उ उ, मतलब मुंह क्या है, बंद रहता है इसमें। विवृत स्वर मुख कैसा होगा, पूरा खुला होगा। विवृत स्वर कौन से होंगे, आ, मुंह पूरा खुला हुआ है, ठीक है ना, ए, इसके बाद आओ, पूरा मुख खुला होता है, विवृत स्वर कहते हैं उनको हम। अर्धविवृत स्वर क्या होता है, आधा मुख खुला होगा। अर्धविवृत स्वर मतलब आधा मुख खुला होगा। कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। अ कम प्रयोग हो रहा है इसमें, ठीक है ना, अ ए आधा खुला हुआ है, ठीक है ना, औ आधा खुला हुआ, आ पूरा खुला हुआ था, तो आओ अ, ठीक है ना, अ। अर्ध समृद्ध स्वर कैसे कहते हैं, 2 होते हैं, ए और औ, अर्ध समृद्ध स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर मतलब क्या होता है कि हवा मुख और नाक से जब बोलते हैं ना, तो हवा क्या है ना, मुख से और नाक से निकलती है ना, जैसे कि अंग कंपन हो रहा, अंग अह अह, मतलब मुख से और नाक से दोनों से निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं उनको। वृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं, वृत्ताकार बोलने पर होंठ कैसे हो जाती है, होंठ गोल होंगे, बोलने पर जो होंठ है ना हमारे कैसे होंगे, गोल होंगे, कौन से, उ, गोल गोल हुआ उ, है ना, उ औ, ठीक है ना, ओ औ, गोल
और क्या होते हैं उसमें, गोल होते हैं, उनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं, चार होते हैं ये। अनुवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, बोलने में होंठ गोल नहीं होंगे, ठीक है। आ आ ई ई मतलब मूवमेंट इधर से नहीं होगा, होंठों से नहीं होगा ना, ए ऐ होंठों से मूवमेंट होगा ही नहीं है, ठीक है ना। अ आ ई ई ए ऐ क्या हो रहा है इसमें, होंठों की मूवमेंट नहीं होती है तो क्या हो गए, अनुवृत्ताकार स्वर होते हैं। अब इसके बाद देखो तो स्वर संख्या के रूप में 11, संख्या के मूल रूप से होते हैं 11, संख्या के रूप में होते हैं 13। जो अंग और आ होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या कि अयुग्मवाह, अयुग्मवाह ना तो वो स्वर होते हैं ना ही वो व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, व्यंजन की। व्यंजन संख्या व्यंजन होते हैं कुल व्यंजन होते हैं 41, ठीक है। व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने में किनकी स्वरों की सहायता वो लगेगी उनको हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। कंसोनेंट अगर देखा जाए तो मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। कंसोनेंट देखा जाए तो मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला जो होता होता है स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हैं जो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। मूल रूप से 25 होते हैं, संख्या के रूप में 27 होते हैं। जो 25 होते हैं वो पांच वर्ग होते हैं हमारे, का वर्ग होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 25 ये होते हैं जो दो स्पर्श व्यंजन, जो दो और व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन, ढा और डा, डा और ढा, ये इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं मूल रूप से 25, संख्या के रूप में होते हैं 27, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, या रा ला वा चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी कैसे होते हैं, जिसमें कि या और वा होता है ना, इसे कहते हैं कि अर्धस्वर। या में या रा ला में क्या होता है कि या और वा जिन्हें कहते हैं अर्धस्वर, ठीक है। रा रा जिसे कहते हैं लुंठित, रा को क्या कहते हैं, लुंठित। इसके बाद ला पार्श्विक व्यंजन, ठीक है ना। तो अंतस्थ व्यंजन जो कितने होते हैं, चार होते हैं, या र ल व ऊष्म व्यंजन, इन्हीं को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, शा सा सा हा, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, चार होते हैं। एक से ज्यादा व्यंजन से बने होते हैं, एक से ज्यादा व्यंजन से बने होते हैं। एक तो होगा पूरा वर्ण और एक होता आधा हलंत होगा, ठीक है ना। जैसे कि छत्रज्ञ और स्र, छत्रज्ञ और स्र, जो छत होगा वो का से और सा से होगा। छत होगा वो किससे बनेगा, का। अब देखो का में ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको कहते हैं बेटा हलंत। हलंत मतलब होता आधा का है, ये क्या है वो आधा का है। तो छत्र किससे बनना, का से बनेगा और सा से बनेगा, इसको कहते हैं हम छत्र, ठीक है। इसके बाद ज्ञान, ठीक है, छत्रा त्रा आएगा, त्रा मतलब ता, आधा ता आएगा, ता मतलब हलंत रहेगा, ता पर क्या रहेगा, हलंत कैसा होता है, जैसे कि ये ता लिखा हुआ है, इस पर ये इस प्रकार की छोटी सी एक लाइन खींची रहती है, इसी को कहते हैं हम हलंत, मतलब आधा ता है, पूर्ण तरीके से ता नहीं है। तो त्रा आधा ता और रा, ठीक है, त्रा बनेगा, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान जा आधा जा मतलब हलंत, जा के नीचे क्या होगा, हलंत और या, ठीक है, ज्ञा होगा। श्रा शैंटी का शाह हलंत आएगा, इसके बाद फिर रा आएगा, श्रा होगा। इन्हें कहते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन, मतलब कि संयुक्त व्यंजन कहने कहते हैं एक से ज्यादा व्यंजनों से जो बने होते हैं उन्हें हमको संयुक्त व्यंजन, जो कि चार होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद होते हैं आगत व्यंजन, आगत मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है ना, जो बाहर से आए हुए हैं, वो दो प्रकार के आगत व्यंजन, जा और फा। जा और फा क्या है, आगत व्यंजन। चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, मूल रूप से 25, संख्या के रूप में 27। 25 कौन से होते हैं, पांच वर्ग होते हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं हम मुख के किसी के भाग को जो स्पर्श करे उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख के किसी भी भाग को क्या करे, स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसको, कंठ। कंठ मतलब यहां से जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं कंठ, कंठ वर्ग। अब कंठ में क्या आएगा, का वर्ग आएगा हमारा, तो क ख यहां से बोला जाएगा, ठीक है ना। कंठ मतलब गला, यहां से बोला जाएगा इनको, ग घ ण यहाँ पे प्रेशर आएगा, ठीक है, कंठ कहते हैं। तालु कंठ के ऊपर जो होगा ना उसको हम तालु कहते हैं, तालु कंठ के ऊपर होता है तालु। तालु में कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, चा छ
ठीक है। तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा कैसे कहते हैं, आ जो दांतों के ऊपर होती है ना उसको कहते हैं क्या, मूर्धा, मूर्धा ठीक है। टावर, टा ठ ठीक है, ड ढ ण, ये क्या हो गया हमारे मूर्धा, मूर्धा ठीक है। दंत, दिन में दांतों का प्रयोग होगा, दांतों में, दांतों से ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। ता ता, दांतों का मूवमेंट होगा है ना। दंतस्थ कहते हैं इसको, दंताय कहते हैं, दंताय ठीक है, दांतों की मूवमेंट से जो उच्चारण होता है। ता था दा धा ना, दांत मूवमेंट हो गए इसको, इसको कहते हैं दंताय, दंताय व्यंजन। ओठ, इनमें मूवमेंट करके होगी, होठों की मूवमेंट होती है। पा 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 पा, ना तो उसमें दांतों की मूवमेंट होगी, ना मूर्धा की, ना तालु की, ना कंठ की, कौन सा हो, ओठ कहते हैं जहां पर होठों की मूवमेंट हो, कौन सा, पा पा, किन की मूवमेंट हो रही है, होठों की मूवमेंट हो रही है। फा बा भा मा ठीक है, तो ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो शरीर के हमारे मुख के अंगों से बोले जाते हैं ठीक है। इसके बाद आ जाओ, एक होता है अघोष व्यंजन, एक होता है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कहने कहते हैं उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है ठीक है, वाइब्रेशन नहीं होता उच्चारण में, क्या होता है, वाइब्रेशन नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम क्या, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कैसा होता है, सिंपल याद करो, बारह समझो, बारह क्या होता है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग मतलब पहला दूसरा बारह, बारह क्या है, अघोष है हमारे। सघोष क्या कैसे होते, 345 होते, 345 क्या होते हैं, तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद, तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद, ये पहला, पहला पद ये दूसरा वर्ग, तीसरा पद चौथा वर्ग और पांचवा पद। तो जो पहला और दूसरा पद होता है इसको कहते हैं हम अघोष। अघोष मतलब क्या होता है, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, कंपन नहीं होगा है। तो बारह, बारह मतलब पहला पद और दूसरा पद, बारह मतलब क्या होता है, बारह मतलब पहला पद और दूसरा पद। का क्या होगा हमारा, अघोष ठीक है। टा क्या होगा हमारा, अघोष। खा क्या होगा हमारा, अघोष, क्योंकि जो बारह होंगे पहला पद दूसरा पद हमारे क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। सघोष क्या होते हैं, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, जिनमें कंपन होगा, क्या होगा इनमें, वाइब्रेशन होता है जिनमें, हम कहते हैं उनको सघोष कहते हैं। 345 याद रखो, 345 क्या होता है, सघोष होगा ठीक है ना। तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद, तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद क्या होगा हमारा, सघोष होगा ठीक है। इसके बाद आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कैसा होता है, बोलने में कम हवा लगती है, बोलने में क्या लगती है, कम हवा। 135 याद रखो, 135 मतलब पहला पद तीसरा पद और पांचवा पद, पहला पद तीसरा पद और पांचवा पद, पहला पद तीसरा पद और पांचवा पद कितना हो गया, 135। तो अल्प प्राण क्या होता है, 135 को याद रखो, बोलने में क्या होता है, कम हवा निकलती है ठीक है। महाप्राण कितने होते हैं, 24 को याद रखो, 24 मतलब क्या होता है, दूसरा पद और चौथा पद, 24 मतलब क्या होता है, दूसरा पद और चौथा पद, दूसरा पद कौन सा होगा हमारा, दूसरा पद होगा हमारा ये वाला एरिया, ये दूसरा पद हमारा कौन सा होगा, ये होगा दूसरा पद और चौथा पद ठीक है। तो 24 महाप्राण क्या होते हैं, 24 होते हैं महाप्राण। बोलने में क्या होती है, अधिक समय लगा ठीक है, हवा लगती है, बोलने में क्या होता है, अधिक हवा निकलती है, उनको कहते हैं हम महाप्राण। महाप्राण मतलब 24 मतलब दूसरा पद और चौथा पद, महाप्राण को याद रखो 24 ठीक है। अल्प प्राण 135, अघोष, अघोष होगा तो 12, सघोष होगा तो 345 ठीक है। अल्प प्राण है तो 135, महाप्राण है तो 24 है, 24 मतलब दूसरा पद और चौथा पद ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्या किसका हो गया, या क्या कहते हैं, जो वर्णमाला वाला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे जल्द ही ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।